तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं केदारनाथ से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और आज वो आज आदि गुरु शंकराचार्य समाधि और प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। तो उसके साथ ही प्रशासनिक कार्यालय और अस्पताल भवन का भी वो शिलान्यास करेंगे। तीर्थ पुरोहितों के निवास को लेकर के भी आज कार्यक्रम है, लोकार्पण करेंगे वो। तो इसके साथ ही अगर बात की जाए तो कुल 400 करोड़ की लागत वाली केदारपुरी पुनर्निर्माण योजना की आज वो आधारशिला रखेंगे। सीधी तस्वीरें केदारनाथ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विकास कार्यों को लेकर के लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सजग थे और अब वो वहां पर पहुंच गए हैं, जायजा ले रहे हैं। आज वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को साकार होते देख रहे हैं। इस दौरान 2013 में प्राकृतिक आपदा के चलते आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि को भारी क्षति पहुंची थी। इसके साथ ही केदारनाथ धाम के आसपास के इलाके को भी भारी क्षति पहुंची थी और अगर समाधि की बात की जाए तो वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब से इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया, विकास कार्यों को गति देने के लिए वो लगातार कार्यरत रहे और अब उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो गया, उनका ये सपना साकार हो गया है। वो पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम, जहां पर आज वो आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा और समाधि का लोकार्पण करेंगे। तीर्थ पुरोहितों के निवास का भी लोकार्पण होगा। तो इसके साथ ही प्रशासनिक कार्यालयों का भी आज वो लोकार्पण करने वाले हैं। तो वहीं लगातार वो इस प्रयास में थे कि यहाँ पर जो टूरिज्म है वो बढ़ सके, इसके साथ ही तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं केदारनाथ धाम तक पहुंचाई जा सके, इसको लेकर के वो लगातार यहाँ के विकास कार्यों की गति और प्रगति को लेकर के लगातार चर्चा करते रहते थे, समीक्षा करते रहते थे और अब उनका ये सपना साकार हो गया है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम, जहां पर आज वो बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद से ही जो तमाम कार्यक्रम है, जो तमाम कार्यक्रम लाइनअप किए गए हैं उन्हें आगे बढ़ाएंगे। तो केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां पर आज वो दर्शन करेंगे और इसके बाद से ही जो तमाम कार्यक्रम लाइनअप है उसको विधिवत रूप से फिर आगे बढ़ाया जाएगा और यहां पर कई परियोजनाओं का वो शिलान्यास करने जा रहे हैं। आज वो 400 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिसकी वो सौगात देंगे। इसलिए भी आज का दिन खास है क्योंकि यहाँ पर आज आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का वो लोकार्पण करेंगे, क्योंकि ये उनका सपना था। 2013 में आई प्राकृतिक आपदा के बाद से ही वो लगातार सक्रिय थे कि केदारनाथ धाम को नया रंग रूप दिया जाना चाहिए, यहाँ पर तमाम सुख सुविधाएं मुहैया करवाई जानी चाहिए, यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए और उसके साथ ही जो टूरिस्ट आते हैं, जो तीर्थ पुरोहित हैं यहाँ के, उनको रहने के लिए अच्छे आवास हों, तमाम सुविधाएं हों, इसकी कोई कमी ना हो, इसके साथ ही यहाँ पर अस्पताल मुहैया करवाया जाए, अस्पताल होना चाहिए। तो तमाम सुख सुविधाओं को लेकर के वो लगातार सक्रिय थे और अभी भी यहाँ पर जो काम है प्रगति पर है, लगातार विकास की ओर अग्रसर हो रहा है केदारनाथ धाम। और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आज दर्शन पूजन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे बाबा का और इसके बाद से ही वो जो तमाम कार्यक्रम है उनको आगे बढ़ाया जाएगा। तस्वीरें लगातार बनी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम, लाइव तस्वीरें आज तक पहुंचा रहे हैं। और आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि आज के दिन कुल 400 करोड़ की लागत से जो केदारपुरी पुनर्निर्माण परियोजना है उसकी आधारशिला रखी जानी है। इसके साथ ही जो तमाम कार्यक्रम है उसमें भी शिरकत करेंगे। तो इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को भी संबोधित करेंगे। लाइव तस्वीरें लगातार बनी हुई हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम और अब कुछ ही
देर में जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। कुल 400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस यात्रा को राष्ट्रव्यापी यात्रा बनाने की पूरी तैयारी रखी गई है। तो तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं कि वो पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम, और इस दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है वो आपको बता रहे हैं। और इस पूरी यात्रा के दौरान किसी भी तरीके की कोई कमी ना हो, इसको लेकर के खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर बुधवार को पहुंचे थे और उन्होंने जायजा लिया था तैयारियों का। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये निर्माण कार्य पूरा हुआ है, 2019 से लेकर के अब तक इसको नए रूपरेखा दी गई है, नए तरीके से इसे तैयार किया गया है। तो इसको पूरे एक फिल्म के रूप में दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं कि इस पूरे निर्माण कार्य का वो जायजा ले रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश का जो सपना था वो साकार होता नजर आ रहा है। आज आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि का शिलान्यास है और लगातार ये कार्य और इसकी गति और प्रगति को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा करते आए थे। और ये दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है कि क्योंकि इस दौरान 400 करोड़ की लागत से केदारपुरी पुनर्निर्माण योजना का आज लोकार्पण होगा। प्राथमिक चिकित्सा और टूरिस्ट सुविधा केंद्र भी इसमें शामिल है जिनका शिलान्यास होना है। प्रशासनिक कार्यालय और अस्पताल भवन भी इसमें शामिल है। तो उसके साथ ही तीर्थ पुरोहितों के निवास का भी आज लोकार्पण होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही चाहते थे कि यहाँ पर टूरिस्ट को बढ़ावा दिया जाए और उसके साथ ही यहाँ पर जो यात्रियों की संख्या है, तीर्थ यात्रियों की संख्या है, श्रद्धालुओं की संख्या है, उसमें हमेशा इजाफा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग केदारनाथ के दर्शन कर पाएँ और यहाँ तक उन्हें पहुँचने में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, यहाँ पर रहने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। तो इसके लिए तमाम सुख सुविधाएँ मुहैया करवाई जाए यहाँ पर, उसको लेकर के वो हमेशा से ही सजग रहे और अब उनका ये सपना साकार हो गया है। वो पहुंच गए हैं केदारनाथ धाम, जहां पर वो बाबा के दर्शन करेंगे। ।2019 में आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का काम शुरू हो गया था और तब से लेकर अब तक केदारनाथ धाम के पूरे आसपास के इलाके में कितना कुछ विकास हुआ है, और इसके साथ ही आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल किस तरीके से बनाई गई है और ये विकास कार्य अभी भी चल रहा है, इस सभी की एक फिल्म बनाई गई है और उसको देखते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि लगातार वो नजर बनाए हुए थे तमाम कार्यों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पांचवी बार पहुंचे हैं, और अगर आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा की बात की जाए तो ये 12 फीट लंबी है, 35 टन वजनी है, जिसका आज वो अनावरण करेंगे। 400 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का आज वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे इस दौरे के दौरान, और इस यात्रा के दौरान वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो तमाम कार्यक्रम हैं आज के दिन जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और अगर बात की जाए तमाम कार्यक्रमों की तो उसमें आदिगुरु शंकराचार्य समाधि और प्रतिमा का लोकार्पण शामिल है, इसके साथ ही तीर्थ पुरोहितों के निवास का लोकार्पण शामिल है। तो वहीं प्राथमिक चिकित्सा और टूरिस्ट सुविधा केंद्र का भी आज वो शिलान्यास करेंगे, और इसके साथ ही प्रशासनिक कार्यालय और अस्पताल भवन का भी शिलान्यास होना है आज के दिन। तो तमाम कार्यक्रम हैं जिनको विधिवत रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा कार्य हुआ है, इसका वो जायजा ले रहे हैं। और इस पूरी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कोई भी कमी ना हो, कोई भी किसी तरीके की कोई कसर रह ना जाए, इसको लेकर के खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे थे बुधवार को और उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया था। इस दौरे के दौरान चाक चौबंद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं इस बीच एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है तो वहीं तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी पूरी तरीके से किए गए हैं, किसी भी तरीके की कोई कसर नहीं छोड़ी गई है।
तो आज कुल 400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का आज शिलान्यास होना है, लोकार्पण होना है। तो इस दौरान अगर बात की जाए 2013 की, तो 2013 में प्राकृतिक आपदा के चलते आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि नष्ट हो गई थी और पूरा केदारनाथ जो धाम है वहाँ पर भारी क्षति हुई थी। और इसके बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठान लिया था कि इस पूरे आसपास के इलाके को और खुद केदारनाथ धाम को एक नया रंग रूप देना है। तब से 2019 से लेकर के अब तक की अगर बात की जाए तो जो प्रतिमा का कार्य है, आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का कार्य है, वो लगातार निरंतर जारी था और अब ये काम पूरा हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे विकास कार्यों का जायजा लेने के बाद, उस फिल्म को देखने के बाद अब वापस लौटते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें केदारनाथ से आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशासनिक कार्यालय और अस्पताल भवन का आज शिलान्यास भी होना है। कुल मिलाकर के 400 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देंगे आज। तो इस पूरी यात्रा को राष्ट्रव्यापी यात्रा बनाने की पूरी तैयारी है और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर बुधवार को पहुंचे थे, तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया था और इसके साथ ही तमाम तैयारियों का भी जायजा लिया गया था। तो आज कुल 400 करोड़ की लागत से केदारपुरी विकास परियोजनाओं का आज लोकार्पण होना है, आधारशिला रखी जानी है और उसपे क्या कुछ शामिल है वो आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तीर्थ पुरोहितों के निवास का लोकार्पण भी होना है और इसके साथ ही प्राथमिक चिकित्सा और टूरिस्ट सुविधा केंद्र का भी शिलान्यास होना है। तो इसके साथ ही प्रशासनिक कार्यालय और अस्पताल भवन का भी शिलान्यास होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या उसमें लगातार इजाफा हो, साल दर साल लगातार श्रद्धालु यहाँ पर आए, बाबा के दर्शन कर पाएं और उन्हें यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ रहने में किसी भी तरीके की कोई कठिनाई ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो आप देख सकते हैं कि तीर्थ पुरोहितों से अब संवाद करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लगातार लाइव तस्वीरें केदारनाथ से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज तीर्थ पुरोहितों के निवास का भी लोकार्पण होना है। आप देख सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया है, संवाद करते नजर आ रहे हैं वो सभी तीर्थ पुरोहितों से। इस दौरान तमाम कार्यक्रम है उनको फिर विधिवत रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। तो वहीं पांचवी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के धाम पर पहुंचे हैं। 2013 की बात की जाए तो 2013 में प्राकृतिक आपदा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर पुनर्निर्माण कार्यों को करने की इच्छा जताई थी, पर तब उन्हें अनुमति नहीं मिली थी। पर इसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार केदारनाथ के दौरे पर रहे हुए हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके नई केदारपुरी बनाने का जो संकल्प लिया था वो कार्य लगातार चलता रहा। उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जो अब पूरा हो गया है और अब वो पांचवी बार यहाँ पहुँचे हैं और जिस सपने को लेकर के उन्होंने शुरुआत की थी और अब यहाँ पर पहुँचे हैं तो वो सपना पूरी तरीके से साकार होता नजर आ रहा है। तो निर्माण का जो काम है वो 90% तक पूरा हो चुका है। तो वहीं इस पूरे कार्यक्रम को, इस पूरे दौरे को राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाने की योजना है, जहां पर प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे को राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाने की योजना रखी गई है और पीएम के संबोधन को 87 मंदिरों में एलईडी स्क्रीन लगा करके प्रसारित किया जाना है। आप देख सकते हैं कि यहां पर बाबा के दर्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले तीर्थ पुरोहित उनका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। अब वो मंदिर में जाएंगे और बाबा के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, पूजा अर्चना होगी और उसके बाद जो तमाम कार्यक्रम है उनको आगे बढ़ाया जाएगा। तो वहीं इस पूरे दौरे को यादगार बनाया जा सके, इसके लिए इस यात्रा को राष्ट्रव्यापी यात्रा बनाए जाने की पूरी तैयारी है, क्योंकि 87 मंदिरों में एलईडी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। करीब 9:50 के आसपास उनका ये संबोधन शुरू होना है आज और इसके साथ ही
जो लोकार्पण के कार्यक्रम है उनको भी वो आगे बढ़ाएंगे। कुल 400 करोड़ की परियोजना है जिसका आज जिसको लेकर के आज वो सौगात देंगे। इस दौरान इस ऐतिहासिक अवसर को और यादगार बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयारियां की जा चुकी हैं। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। 4 धामों की और 12 ज्योतिर्लिंगों और प्रमुख मंदिरों की कुल मिलाकर के 87 मंदिरों पर साधुओं, भक्तों और आम लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो वहीं ये सभी मंदिर श्री आदि शंकराचार्य द्वारा अपनी यात्रा के दौरान लिए गए मार्ग पर पूरे देश में स्थापित है। श्री आदि शंकराचार्य के केदारनाथ पहुंचने के मार्ग में सभी 87 मंदिर में प्रमुख जो बीजेपी नेता है आज वो मौजूद रहने वाले हैं। तो केदारनाथ से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर बाबा केदारनाथ के धाम पर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया है और इसके साथ ही किस तरीके से 2014 के बाद से अब तक ये पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा था, गति और प्रगति की उन्होंने एक फिल्म देख करके समीक्षा की है, जायजा लिया है और इसके बाद इस पूरी यात्रा के दौरान तमाम कार्यक्रम हैं जिनको आगे बढ़ाया जाना है। सबसे पहले वो बाबा के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और इस दौरान वो आदि गुरु शंकराचार्य समाधि और प्रतिमा का भी लोकार्पण होना है। तो वही केदारपुरी में पुनर्निर्माण का जो सपना देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो अब साकार होता नजर आ रहा है क्योंकि 90% काम पूरा हो चुका है। इस दौरान ये उनका 5वां दौरा है यहाँ पर। जब 2013 में उन्होंने प्राकृतिक आपदा के बाद यहाँ पर पुनर्निर्माण की इच्छा जताई थी तब उन्हें अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही उन्होंने ये ठान लिया कि ना केवल यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा करना है, लोग यहाँ से देश विदेश से पहुँचे और उन्हें यहाँ पहुँचने में, रहने में, बाबा के दर्शन करने में किसी भी तरीके की कोई कठिनाई ना हो, इसको लेकर के तमाम सुख सुविधाएं यहाँ तक पहुँचाई जाए, इसको लेकर के वो लगातार कार्यरत थे। तो आप देख सकते हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरी यात्रा को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उसके बाद से ही सभी तीर्थ पुरोहितों से उन्होंने संवाद किया है, उनका भव्य स्वागत किया गया, उन्होंने फिल्म देखी है जहां पर पूरा निर्माण कार्य दिखाया गया है, उन्हें किस तरीके से 2014 के बाद से अब तक ये पूरा काम अभी तक चल रहा है, 90% काम पूरा हो चुका है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा के दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। ये उनका 5वां दौरा है केदारनाथ का, 5वीं बार वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जब पहली बार वो यहाँ पर पहुंचे थे तब से ही उनके मन में यह सपना था कि केदारनाथ धाम को नया रंग रूप देना चाहिए। 2013 में प्राकृतिक आपदा के बाद से ही उन्होंने ये ठाना था, इसके बाद उस समय उन्हें ये अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और अब उनका ये सपना पूरा हो गया है। तो आज 400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये प्रधानमंत्री बनने के बाद आज 5वीं बार वो केदारनाथ के दौरे पर हैं और इस दौरान इसको ऐतिहासिक बनाया है, इसको भव्य रूप देना है और इसको देखते हुए देश भर के विभिन्न शिव मंदिरों में इसकी व्यवस्था की गई है। कुल 87 मंदिरों में LED के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज संबोधन होगा और इस दौरान अगर बात की जाए आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा की तो ये प्रतिमा 12 फीट ऊंची है और 35 टन वजनी है जिसका आज अनावरण होना है और इसके साथ ही 400 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का आज लोकार्पण भी होगा और उसमें क्या क्या शामिल है वो आपको बता देते हैं। इसमें तीर्थ पुरोहितों के निवास का लोकार्पण शामिल है और इसके साथ ही इसमें प्रशासनिक कार्यालय और अस्पताल भी शामिल है। तो वहीं किसी भी तरीके की कोई कमी ना हो उसको देखते हुए तीर्थ पुरोहितों के निवास का भी आज लोकार्पण होना है, प्राथमिक चिकित्सा टूरिस्ट सुविधा केंद्र का भी आज शिलान्यास होगा। तो कुल मिलाकर के 400 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा शुरू हुआ था, जब वो देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचे थे
तो उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो यहाँ पर पहुंचे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है वो हो रहा है, विधिवत रूप से पूजा अर्चना का कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पांचवां दौरा है और केदारनाथ के प्रति उनका प्रेम, उनका लगाव देखने को मिलता है, क्योंकि न केवल यहाँ के पुनर्निर्माण कार्य को लेकर के वो सजग थे बल्कि लगातार वो इसी कोशिश में थे कि इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके और यहाँ पर भक्तगण दर्शन करने के लिए आ सके, श्रद्धालु आ सके और जो टूरिस्ट की संख्या है उसमें इजाफा हो सके और यहाँ पर लोग पहुँचे, बाबा के दर्शन करें और इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें किसी भी तरीके की कोई कठिनाई ना हो, इसको लेकर के वो लगातार सजग थे। तो इसे देखते हुए यहाँ पर तमाम सुख सुविधाओं को पहुँचाया जाए, यहाँ पर पुनर्निर्माण का कार्य तो हो ही, इसके साथ ही तमाम सुख सुविधाएं मुहैया करवाई जाए लोगों को, इसको लेकर के भी वो लगातार प्रयासरत थे। और अब उनका ये सपना 90% पूरा हो गया है, क्योंकि पुनर्निर्माण का कार्य 90% पूरा हो गया है और ये पांचवी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। और इस दौरान 2013 की बात की जाए तो प्राकृतिक आपदा के चलते श्री आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि नष्ट हो गई थी, आसपास के जो पूरा इलाका था उसको भारी क्षति पहुंची थी और तभी से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठान लिया था कि पुनर्निर्माण का कार्य है वो शुरू करना है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो तमाम सुख सुविधाएं भी मुहैया करवानी है, पुनर्निर्माण का कार्य पूरा करना है और इसके साथ ही एक नई रूपरेखा देनी है केदारनाथ धाम को, एक नया रंग रूप देना है और उसमें कोई भी दिक्कत ना आए और ये काम समय रहते पूरा हो जाए, इसको लेकर के वो लगातार प्रयासरत रहे। और अब उनका ये सपना साकार हो गया है, 400 करोड़ की सौगात भी देंगे और उसमें तमाम कार्यक्रम शामिल हैं, तमाम चीज़ें शामिल हैं जिसमें आदिगुरु शंकराचार्य समाधि और प्रतिमा का तो आज लोकार्पण होना ही और उसके साथ ही तीर्थ पुरोहितों के निवास का भी लोकार्पण शामिल है। तो वहीं प्राथमिक चिकित्सा टूरिस्ट सुविधा केंद्र का भी आज शिलान्यास होना है, कई परियोजनाओं का शिलान्यास होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और उसमें क्या कुछ शामिल है वो आपको बता रहे हैं, केदारनाथ से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असौ वशर्पति नीलग्रीवाभिलोहिता उदेनं गोपा अतृसन्नतृसन्नतहार्य सर्वेष्टामृडयाति नः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुके अधोजे असत्वानो हन्ते यो करन्नमः प्रभुञ्च धन्वस्तनमुभयो राज्ञोर्जाम जासते हसैषवः पराता भगवो बपा विजन्धनः कपर्दिनो विशल्य वाणमाङ्गुता अनेशन्यशशायिखव आहुरशनिखङ्गतेः जाते त्रिमे दुष्टमहस्ते बभोवते धनुः तयास्मान् विश्वतश्चयत्मया परिभुजः हरिते धन्मनो हेतिरस्मान् विश्वतः अतोदरिकोदिस्तवारे अस्मिन्नते हितम् अवदधनुषघुं सहस्राक्षसते खुदे निषेजसल्लानामुखा शिवो नः सुमना भवन्नवस्तकायुधायानान्तताय कृष्णवे कुमाभ्याम् उतते नमः बाहुभ्याम् उतते नमः मानो अर्भकम् मान उच्छन्तमुतमान उक्षितम् मानो वधेः पितरम् मोकमातरम् मानः प्रियास्तन्नो रुद्ररेखः मानस्तोके तनये मान आयुषिमान गोकुमानो अशेखरेखः मानो वीरान् रुद्रभामिनो हरिखमन्तः सदमित्वा हवामहे ॐ गणेभ्यो गणवतिरसवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातवतिरसवो नमो नमो वृषेभ्यो वृषपतिरसवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपे
सर्व नमो नमः साम सदा शिवाय नमः भगवते रुद्राय नमः पशुपते नमः हरे शेषाय तं कमलवलिमादाय पदयो यदे गोले तस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं ततो भाग्योत्रेता परिणतिमशोचक्रवपुषा प्रियाणां रक्षाये त्रिपुरहरजागर्ति जगतं ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षं श्रीष्णोः ॐ वन्दे वन्दन तुलस्यमान सुमतिं प्रेम प्रियं प्रेमदम् पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्णपूर्णनिखिले ऐश्वर्येकवाशं शिवं सत्यं सत्यत्सत्यसत्यविभवं सत्यात्मकं सत्यदं विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकेयकृपयो पाताकृतिं शङ्करं शिव शिवेति 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 वा हर हरेति 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 वा मृण मृणेति 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 वा भव भवेति 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 वा भज मन शिवमेव निरन्तरम् रट मन शिवमेव निरन्तरम् मृत्युञ्जय महादेव त्राहिमां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने ॐ सदा शिवाय नमो शांति सुशांतिर भवतु चंद्रमा मनसो चंद्रमा मनसो जात सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुष प्राण समुपात विरजायत ओम जय शिव ओंकार हर हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भाले नाथ सदा शिव हर रंगे धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे भोले दस भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता शिव जी को रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमावतारं संसार सारं मुनिग्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि शीतलीकरणं महा ओम शं हरे ही ओम महा ओम भद्रं कर्णे विष्णुरङ्गे तुष्टवागुं सतनो वृषसे मयि देवहितं यदायो त्वमेव माता सपिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव मम देव देव मामि पार्श्वे जगते रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनिन्द्रे सुराजेक्षम शिवमी कविने भगवान की रक्षा करें।
शंकर भगवान की जय। लाल वाला निकाले सफेद वाला ये वाला जलनिधरणे समुद्रे यावाय सौरवसति गमने लक्ष्मणेश विन्ने यतो यता समेहसे ततो नो अवयं कुरु सन्नः कुरु बहुत खास ब्रह्मकमल के ब्रह्म कमल से तो मैं पीछे लगाऊं करके रहूंगा जी वो तो आपका भरत शिखर पर पहुंचा है गुरु की जो है आपकी आगे हमको जरूरत है और 5 साल आप हमारी सरकार में ज्योति का अर्थ होता है ज्ञान और इसी अखंड विज्ञान स्वरूप शिव तत्व का नाम ही ज्योति है। और जिस तरह से हम लिंग की बात करते हैं तो लिंग चिन्ह को कहते हैं आकृतिर जात लिंगाख्या।
तो केदारनाथ से लाइव तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूजा अर्चना कर चुके हैं पीएम मोदी। आपको बता दें कि अब प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त केदारनाथ में मौजूद है और ये दौरा अपने आप में खास माना जा रहा है। पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 400 करोड़ के परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। फिलहाल केदारनाथ से लाइव तस्वीरें, पीएम मोदी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हर साल प्रधानमंत्री मोदी बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन पिछले साल पीएम मोदी कोरोना की वजह से नहीं पहुँच पाए थे, क्योंकि लगातार कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हो रहा था और ऐसे में हाल बेहाल था। तो पीएम मोदी ने अपने केदारनाथ के दौरे को रद्द किया था और ऐसे में एक बार फिर से पीएम मोदी केदारनाथ के दौरे पर हैं। बाबा के आशीर्वाद के लिए पीएम मोदी केदारनाथ धाम पहुँचे हैं। आपको बता दें कि सत्ता में बरकरार रहे हैं पीएम मोदी और सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी का ये पांचवा केदारनाथ का दौरा है और अपने आप में ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। लगातार केदारनाथ से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है, दीपावली का पावन पर्व, और पीएम मोदी का ये दौरा अपने आप में खास माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं और पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भव्य स्वागत किया और इस दौरान राज्यपाल भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी का ये पांचवा केदारनाथ का दौरा है और इस दौरान वो आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि का भी अनावरण करेंगे और इसको लेकर भी तमाम इंतज़ाम किए गए हैं, तमाम सुरक्षा के पुख्ते इंतज़ाम हैं और इस दौरान आम श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं दी गई है सुरक्षा के मद्देनज़र। तो केदारनाथ से लगातार लाइव तस्वीरें, पीएम मोदी की ये तस्वीरें, तो पीएम मोदी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। केदारनाथ से लाइव तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया न्यूज़ आप तक लगातार पल पल की अपडेट दे रहा है। केदारनाथ से ये तस्वीरें, पीएम मोदी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपने आप में ये दौरा पीएम मोदी का खास माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड में चुनाव भी है और ऐसे में चुनाव से जोड़कर भी पीएम मोदी का ये दौरा देखा जा रहा है। तो एक तरफ जहाँ पर तीत पुरोहितों अपने आंदोलन पर बैठे हुए हैं उनमें भी आक्रोश देखा जा रहा है और दूसरी तरफ पीएम मोदी का ये दौरा अपने आप में खास है और ऐसे में अब सभी को इंतज़ार है। पीएम मोदी जब संबोधित करेंगे उस पल का सभी को इंतज़ार है। तो ये केदारनाथ से ये लाइव तस्वीरें लगातार कई सालों से पीएम मोदी बाबा के धाम पहुँच रहे हैं, जहाँ पर वो बाबा के आशीर्वाद लेने के लिए हर साल यहाँ पर आते हैं। तो आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो जाए, किसी भी तरह की कोई यहाँ पर कमी ना रह जाए, इसको लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है, तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी 400 करोड़ के परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो कुल मिलाकर आज प्रदेशवासियों को पीएम मोदी कई सौगातें देंगे। तो केदारनाथ से लाइव तस्वीर, तो पीएम मोदी का ये दौरा अपने आप में खास है। केदारनाथ के दौरे पर है पीएम मोदी और ऐसे में आज कई करोड़ के परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। अब सभी को उस पल का इंतज़ार है जब पीएम मोदी संबोधित करेंगे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को संबोधित करेंगे, उस पल का सभी को इंतज़ार है। फिलहाल पूजा अर्चना करते हुए पीएम मोदी की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी दरमियान कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी और मंदिर को भी काफ़ी भव्य तरीके से सजाया गया है, दुल्हन की तरह मंदिर को सजाया गया है और इस दौरान सुरक्षा के मद्देनज़र आम जनता को प्रवेश नहीं दिया गया है, आम श्रद्धालुओं को आज के दिन प्रवेश नहीं दिया गया है।
तो केदारनाथ से लगातार इंडिया न्यूज़ आप तक ये लाइव अपडेट पहुंचा रहा है, लगातार हम आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और पीएम मोदी का ये दौरा अपने आप में आज खास है, ये तस्वीरें आज अपने आप में खास हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी के इस दौरे को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, उससे जोड़कर भी पीएम मोदी का ये दौरा देखा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी हर साल बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं, और सिर्फ पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी नहीं पहुँच पाए थे क्योंकि कोरोना से देश में हाल खराब था और लगातार आंकड़ों में भी इजाफा देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से पीएम मोदी ने अपने केदारनाथ दौरे को रद्द किया था। तो ये पीएम मोदी की तस्वीरें, केदारनाथ की तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है। तो पल पल की अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की थी